लीगल हेल्प डेस्क में आपका स्वागत है। मैं केशव चौधरी, आज एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है प्रिजन रिफॉर्म। प्रिजन रिफॉर्म एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमारे कंट्री में जो प्रिजन की कंडीशन है वो बहुत ही खराब है और इनमें बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। इसके लिए 1970 के बाद से ही बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए और बाद में जाके कुछ कमेटी भी फॉर्म हुई प्रिजन रिफॉर्म लाने के लिए। तो आज हम लोग प्रिजन रिफॉर्म के बारे में डिटेल में जानेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रिजन रिफॉर्म क्या होता है, के एफ रुस्तम जिनका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा PIL में और प्रिजन रिफॉर्म के तहत भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा उनके बारे में जानेंगे। इंपॉर्टेंट कमेटी जो प्रिजन रिफॉर्म के लिए फॉर्म की गई, एक मुल्ला कमेटी है और एक अय्यर कमेटी है। दोनों कमेटी के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे, इन कमेटी की क्या रिपोर्ट रही है और क्या मेजर स्टेप्स लिए गए हैं प्रिजन रिफॉर्म के लिए। क्रिमिनोलॉजी के अंदर प्रिजन रिफॉर्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। यहाँ की जो जितने भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं लॉ से रिलेटेड या UPSC BPSC में भी प्रिजन रिफॉर्म से काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। तो भारत में जो प्रिजन की जो व्यवस्था है वो बहुत ही ख़राब है और बहुत सारे नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम है जिसमें सुधार लाने की ज़रूरत है। सबसे पहले ओवर क्राउडिंग, हमारे जो इंडिया में जो जेल्स हैं उनकी जितनी क्षमता है उससे बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ कैदी रह रहे हैं। तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ ओवर क्राउडिंग, इसके लिए हमें ज़्यादा नंबर्स ऑफ जेल होने चाहिए। देयर इज़ अ करप्शन इन जेल, अब क्योंकि वहाँ पे करप्शन है इसकी वजह से कैदियों के पास मोबाइल फ़ोन रहता है और जो नशे की चीज़ें हैं वो पहुँच जाता है बिकॉज़ ऑफ करप्शन। जो जेल की जो अथॉरिटी है वो पैसे लेके उन तक वो सामान पहुँचा रहे हैं। देर इज़ अ डिस्क्रिमिनेशन जिसमें हमें सुधार की ज़रूरत है। अगर आप रिच पीपल हो और एक कोई गरीब आदमी कोई क्राइम करके जा रहा है और एक कोई अमीर आदमी जा रहा है तो देर इज़ अ स्पेशल अरेंजमेंट फॉर रिच पीपल, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि पनिशमेंट मिला है तो पनिशमेंट शुड बी सेम। आपने अगर आप गरीब हो या अमीर हो, अगर आपने कोई क्राइम किया और आपका क्वांटम ऑफ सेंटेंस डिसाइड होकर 10 साल की सज़ा मिली है तो आप दोनों को एक तरह का सज़ा मिलना चाहिए। तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन है जो हटना चाहिए। चौथी बात यह है जो वहाँ की जो फूड क्वालिटी है, जो मेडिकल ट्रीटमेंट है या हेल्थ रिलेटेड जितने भी इशू हैं उसमें उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, उसमें बहुत सुधार लाने की हमें ज़रूरत है। तो देर इज़ अ नीड ऑफ प्रिजन रिफॉर्म। अगर हम लोग अगर अपने जेल्स को अच्छा बनाना चाहते हैं, हम लोग को एक ऐसा एनवायरनमेंट देना पड़ेगा जो रॉन्ग डूअर हैं उनको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा जिसके तहत वो अपने आप को रिहैबिलिटेट कर सकें। जो जेल्स की भी जो प्रॉब्लम है वो सबसे पहले KF रुस्तम जी द्वारा लाइमलाइट में लाया गया था। इसकी वजह से इनको पद्म विभूषण अवार्ड भी मिल चुका है और वे ही एकमात्र ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं जिन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनके एफर्ट से ही 40,000 अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को रिलीज किया गया था थ्रू द फर्स्ट PIL हुसैनारा खातून वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। PIL पे मैंने वीडियो भी बनाया है, अगर आप लोगों ने PIL का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया है। रुस्तम जी की रिपोर्ट के बाद दो इंपॉर्टेंट कमेटी फॉर्म की गई। फर्स्ट थी जस्टिस मुल्ला कमेटी और दूसरी थी जस्टिस कृष्णा अय्यर कमेटी ऑन वुमेन प्रिजन। तो इन दोनों कमेटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा और इन दोनों कमेटी की अपनी अपनी रिपोर्ट थी। तो सबसे पहले हम लोग जस्टिस मुल्ला कमेटी के रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। तो इस कमेटी में सबसे पहले ये बात रखी गई थी जो लॉ मेकिंग रूल्स ऑफ प्रिजन है, प्रिजन की जो लॉ मेकिंग पावर है वो स्टेट लिस्ट से हटा के कंकरेंट लिस्ट में डालनी चाहिए। तो हम लोग जानते हैं देर आर 3 काइंड्स ऑफ लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो मैटर फॉल करते हैं उनमें सिर्फ यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। जो स्टेट लिस्ट में मैटर फॉल करती है उसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। और जो कंकरेंट लिस्ट में जो मैटर फॉल करती है उसमें आइदर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों में से कोई भी उस पर लॉ बना सकता है। तो उनका ये कहना था जो लॉ मेकिंग रूल्स ऑफ प्रिजन है उनको स्टेट लिस्ट से हटा के कंकरेंट लिस्ट में डाल देनी चाहिए। दूसरी बात उन्होंने ये कहा जो देयर शुड बी अ नेशनल पॉलिसी ऑन प्रिजन, राष्ट्रीय लेवल पे कोई एक पॉलिसी होना चाहिए जिसके तहत स्टेट जो लॉ बनाए उसको भी वो चीज़ फॉलो करना पड़े। और
तीसरा था उनका जो जो भी अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं उनके लिए स्पिरिट ट्रायल का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और उनकी जो बेल की जो प्रोसेस है वो सिंप्लीफाइड होनी चाहिए, यानी आसान होना चाहिए। मतलब अंडर ट्रायल प्रिजनर के लिए प्रॉपर देयर शुड बी ए स्पीडी ट्रायल एंड आसानी से उनको बेल मिल सके, ऐसे प्रोसेस होनी चाहिए। और जो भी यंग ऑफेंडर्स हैं, अगर कोई 20 साल 21 साल 22 साल का आदमी अगर कोई क्राइम कर रहा है तो उनको एडल्ट ऑफेंडर की संगति में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो उनके साथ रह के और भी हार्डेंड क्रिमिनल बन सकते हैं। तो जस्टिस मुल्ला कमेटी की ये चार इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी। जस्टिस मुल्ला कमेटी में ये भी बात कही गई थी जो जो भी जो चिल्ड्रेन हैं अंडर द 18 ईयर ऑफ एज उनको जेल भेजने के बजाय उनको ऐसे इंस्टीट्यूशन में भेजना चाहिए जहां प्रॉपर उनकी ध्यान रखा जा सके, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था हो और जहां उनको एक एनवायरनमेंट मिल सके रिहैबिलिटेट करने का। तो जस्टिस मुल्ला कमेटी के बाद जस्टिस अय्यर कमेटी थी स्पेशली ऑन वुमेंस। इनकी पहली बात ये कही गई थी, इन्होंने ये कहा था जो इवन अगर CRPC के अंदर भी अगर कोई वुमेन क्राइम कर रही है फिर भी उसकी डिग्निटी को मेंटेन करना चाहिए, मतलब जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसका उसको मेंटेन करना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने ये कही थी जो देयर शुड बी अ सेपरेट जेल फॉर वुमेन, वुमेन के लिए अलग से सेपरेट जेल होना चाहिए और जो उनके स्टाफ हों वो भी वुमेन ही हों। तीसरी बात इन्होंने ये कही थी जो प्रॉपर जो वुमेन की जो जेल हो उसमें एक स्टैंडर्ड जो होता है जो बेसिक स्टैंडर्ड जैसे सैनिटेशन फूड क्वालिटी ये मेंटेन्ड हो, डिसिप्लिन होना चाहिए और जो होलिस्टिक प्रोग्राम है जो पूजा अर्चना से जो भी रिलेटेड बीच बीच में प्रोग्राम होने चाहिए, क्योंकि इससे जो वुमेन है ऑफेंडर हैं उनमें कुछ साइकोलॉजिकल और बदलाव आ सके। और उन्होंने ये बात भी कही थी जो जो भी पुअर पीपल हैं उनकी पुअर वुमेन ऑफेंडर हैं उन्हें कानूनी सहायता भी देनी चाहिए। उन्होंने ये भी बात कही थी जो भी वुमेन हैं उनको फ्रीक्वेंटली अपने बच्चे से मिलने देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद वो मेंटली सही रहते हैं, अदरवाइज उनमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी आ जाता है। मुल्ला और अय्यर कमेटी के बाद एक हाई पावर्ड कमेटी सेटअप की गई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डायरेक्टर जनरल ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इस कमेटी में मुल्ला और अय्यर कमेटी के साथ साथ कुछ एडिशनल रिकमेंडेशन की गए। जो नोटेबल रिकमेंडेशन ऑन जो था वो था नेशनल पॉलिसी ऑन प्रिजन रिफॉर्म्स एंड करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब राष्ट्रीय लेवल पे हमारे पास प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए प्रिजन रिफॉर्म और जो एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था है जेल की उससे रिलेटेड। तो ये पॉलिसी अभी पूरी ड्राफ्ट नहीं हुई है, ये इन प्रोसेस है। जो इसके कुछ जो पॉलिसी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हैं जैसे हमारे पास यूनिफॉर्म लॉ होने चाहिए जेल से रिलेटेड, प्रिजन मैनुअल जो हर एक स्टेट का अलग होता है वो एक यूनिफॉर्म होना चाहिए, जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं उनके लिए हमारे पास प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए, स्पीडी ट्रायल होनी चाहिए, सिंप्लीफाइड बेल प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। और जो जेल की जो कंडीशन है फूड की कंडीशन जो सैनिटेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो सही उसमें सुधार आना चाहिए, जेल और उसके भी जो भी एलाइड इंस्टीट्यूशन है उसमें इस चीज़ को रिलेटेड सुधार आने चाहिए। और जो फोर्थ वन है वो है जो नंबर्स ऑफ प्रिजन की संख्या बढ़नी चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा जेल कंस्ट्रक्ट करने चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन था और जो अभी ये पॉलिसी ड्राफ्ट नहीं हुआ ये इन प्रोसेस है। मुल्ला और अय्यर कमेटी के बाद प्रिजन रिफॉर्म के तहत कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स भी लिए गए, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन प्रिजन जो रिफॉर्मेटिव थ्योरी पे बेस्ड है। तो ओपन प्रिजन को हम लोग या ओपन जेल को हम लोग एज ए सब्स्टिट्यूट देखने लगे क्लोज्ड प्रिजन को, जहाँ पे जो रूल होते हैं वो लेस स्ट्रिंजेंट होते हैं और जो कैदी होते हैं वो दिन में डे टाइम में कमाने के लिए भी जा सकते हैं विद फैमिली भी रह भी सकते हैं। तो रिहैबिलिटेशन के कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है अभी, जैसे तिहार जेल, तो तिहार इटसेल्फ अ ब्रांड, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं जो बाहर में बिकती हैं। जेल के अंदर बहुत सारे पढ़ाई की भी व्यवस्था है, जैसे आप इग्नू से MA BA कर सकते हैं, जो 10th 12th मतलब आप जो उसके अंदर है वो आप पढ़ाई कर सकते हैं, कोई चीज़ की ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमें अभी मिल रहे हैं, तो ये सब प्रिजन रिफॉर्म के तहत ही आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, आपको अपडेट मिलती रहेगी। अगर इससे लॉ प्रिजन रिफॉर्म से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें, मैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।